यूपी में किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जौनपुर और आजमगढ़ में रोड शो करेंगे और राहुल गांधी घाट सभा लगाकर किसानों की समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे जौनपुर के शाहगंज में पब्लिक इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे और यहां पर वो एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:15 बजे गुरैनी मदरसा में लंच करेंगे। इसके बाद जौनपुर जंक्शन से 1:15 बजे पर रोड शो की शुरुआत होगी और करीब 4 किलोमीटर का रोड शो ये होगा। इसके बाद शाम 4:15 बजे गौराबाद शाहपुर बाजार में एक सभा को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद आखिरी में राहुल गांधी आजमगढ़ के जनता इंटर कॉलेज बिजौली ठिकमा में शाम 5:15 पर घाट सभा करेंगे। तो आज का कार्यक्रम यह है राहुल गांधी का, पहले जौनपुर में जनसभा, उसके बाद आजमगढ़ में पहुंचेंगे, यहां खाट सभा। और इससे पहले कल राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ी में वहां जाकर दर्शन किए थे और आज का कार्यक्रम में वो जौनपुर में होंगे, उसके बाद मुलायम के गढ़ आजमगढ़ में खाट सभा करेंगे। तो आपको बता दें, देवरिया से दिल्ली तक है करीब 2,500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी और आज जब वो यूपी के जौनपुर और उसके बाद आजमगढ़ में पहुंचेंगे। अमित सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह की तैयारियां, उत्साह देखा जा रहा है यहां कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ आम जनता के बीच राहुल गांधी यहां जौनपुर में पहुंचेंगे? लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं और जो लोग हैं वो भी बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं राहुल गांधी के रोड शो में। और जिस तरीके से एक एग्रेशन के साथ राहुल गांधी कैंपेनिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसका भी असर यहाँ दिख रहा है। 10 बजे निकलेंगे राहुल गांधी NTPC के सर्किट हाउस अम्बेडकर नगर से और फिर वो जौनपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे। 11:30 बजे शाहगंज पब्लिक इंटर कॉलेज में उनकी एक मीटिंग है किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ और फिर वो वहां से जन रोड शो करते हुए गुरैनी स्थित एक मदरसे में पहुंचेंगे जहां 12:30 बजे उनको यहां एक लंच करना है। लंच के बाद वो जौनपुर शहर में प्रवेश करेंगे जहां उनका करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो होना है और उसके बाद फिर गौरा मुबारक शाहपुर में उनकी एक मीटिंग है करीब 4:30 बजे। मीटिंग के बाद उनको आजमगढ़ सीमा में प्रवेश करना है और वहां उनकी एक खाट सभा है 5:15 बजे। तो ये दिन भर का कार्यक्रम है राहुल गांधी का। आज शाम वो आजमगढ़ में ही आराम करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी के लिए आपका। और इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को अम्बेडकर नगर में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि पिछले 2 साल में पीएम मोदी ने उद्योगपतियों का 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है लेकिन किसानों की सुध नहीं ली। पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। नरेगा चलाने में तकरीबन 35,000 करोड़ साल के लगते थे। नरेगा से लाखों लोगों का फायदा होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 नरेगा का पैसा, 3 साल का नरेगा का पैसा कर्जा माफ किया है, मगर वो किसान का नहीं है, वो मजदूर का नहीं है, वो गरीब का नहीं है, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10 उद्योगपतियों का है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभा में जगह रिजर्व करके आपको देंगे। आरएसएस में तो महिला है ही नहीं, वो तो पुरुषों का संगठन है, तो उनको महिलाओं को जगह देना तो आता ही नहीं है, अपने संगठन में ही नहीं देते हैं तो देश में कैसे देंगे वो।